नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। शुरुआत करते हैं खबरों की। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कोरोना महामारी को लेकर बयान दिया है, जहां उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश में कोरोना के केवल 32 नए मामले सामने आए हैं, वही संक्रमण दर -0.4% पर पहुंच गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि सत्यनारायण कथा फिल्म को लेकर कि निर्माता निर्देशक हिंदू देवी देवताओं पर सॉफ्ट टारगेट बंद करें और अल्पसंख्यकों के आराध्य को टारगेट नहीं करते हैं। आइए जानते हैं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने अपने बयान में और क्या कुछ कहा है। कोरोना के क्षेत्र में मध्य प्रदेश में आज 32 नए प्रकरण आए हैं, जबकि ठीक होकर अपने गंतव्यों की ओर 39 लोग रहे हैं। 466 एक्टिव केस मध्य प्रदेश के अंदर कुल बचे हैं, -0.4% संक्रमण दर है, जबकि रिकवरी की रेट हमारी 98.75%। वहीं सीहोर जिले में आशा उषा सहयोगिनी लगातार अपना वेतन बढ़ाने के लिए सरकार से मांग कर रही हैं, लेकिन इस मामले में कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। इसी से नाराज होकर आशा एवं शहरी उषा सहयोगिनियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, वेतन बढ़ाने की मांग भी की है। और साथ ही कार्यकर्ताओं का ये कहना है कि अगर उनकी 6 सूत्रीय मांगे नहीं पूरी की गई तो वो अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगी। वहीं शिवराज सरकार के खिलाफ सांकेतिक रैली भी निकाली गई है। निश्चित रूप से आशा उषाओं के समर्थन में हूँ मैं, सहयोगियों के। हमने पिछले अभी ज्ञापन दिया था उनके समर्थन में, महामहिम राज्यपाल के नाम SDM साहब को आष्टा में, और आशा उषा कार्यकर्ताओं पिछले 1 महीना से हड़ताल पर बैठी है। और माननीय अभी ये लोग गए भी थे भोपाल, तो शिवराज मामा ने उन लोगों को जेल में डाल दिया था। बहुत निंदनीय है, क्योंकि सबका मामा बनता है, ऊपर तो बहनों को वो जेल में डालते हैं। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, हम मांग करते हैं कि आशा उषा कार्यकर्ताओं ने कोरोना काल में घर घर जाकर हर व्यक्ति को जागरूक किया है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी और मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने टीकाकरण जो अभियान चलाया था कि किल कोरोना अभियान चलाया था। खबरधार से है, जहां किसानों के साथ फल सब्जी का व्यापार करते हुए धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। वहीं किसानों ने जब मामले की शिकायत पुलिस से की तो पुलिस ने इस मामले का संज्ञान लेते हुए आरोपी व्यापारी को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही साथ इस पूरे मामले की जांच पड़ताल भी पुलिस ने शुरू कर दी है। देखिए, कल परसों एक प्रकरण दर्ज हुआ था धारा 420-406 का, जिसमें आरोपी खरगोन के बरूड के थे राहुल पिता लंकेश कुमावत, और जिन्होंने विनोद पिता शांतिलाल जी पाटीदार है, निम्बोल के किसान हैं, उनके साथ में धोखाधड़ी की थी। एक्चुअली ये सब्जी जो पाटीदार जी हैं, विनोद पाटीदार जी, यहाँ की सब्जियाँ वहाँ के उस व्यापारी को देते थे, और जिसमें जनवरी फरवरी में करीब 25 लाख का व्यापार हुआ था, उसमें से 12 लाख के आसपास दे दिए, और इतना ही कुछ अमाउंट उनका बचा हुआ जो किसानों को वो पैसा दे नहीं रहे हैं, और उसी वजह से प्रकरण दर्ज हुआ और आरोपी को गिरफ्तार करके पुलिस रिमांड लिया जा रहा है। वहीं कांग्रेस के पूर्व कैबिनेट मंत्री व वर्तमान सोनकच्छ विधायक सज्जन सिंह वर्मा पर दर्ज की गई FIR को लेकर स्थानीय लोगों ने शिवराज सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है और तहसील कार्य पर भी पहुंचे हैं, जहां लोगों ने सामूहिक रूप से नायब तहसीलदार अंकिता वाजपेयी को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मांग रखते हुए बताया कि 30 जून 2021 को कांग्रेस के पूर्व कैबिनेट मंत्री व वर्तमान सोनकच्छ विधायक सज्जन सिंह वर्मा नसरुल्लागंज होते हुए नोमावर जा रहे थे। रास्ते में पाड़ा गांव के पास सीप नदी का एक बड़ा पुल 1 साल पहले क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसकी जगह पर एक छोटा पुल बनाया गया जो लगभग 1 साल की अवधि में बनकर तैयार हुआ है, लेकिन 1 महीने बीत जाने के बाद भी उसका लोकार्पण तक नहीं किया गया। इससे लोगों के आवागमन में भारी परेशानी भी हो रही थी, जिसके चलते कांग्रेस के पूर्व कैबिनेट मंत्री सज्जन सिंह ने इस पुल को चालू करवा दिया। इसी को लेकर विधायक सज्जन सिंह समेत 8 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करा दी गई थी। देखिए, इस बात से स्पष्ट होता है कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिन आशा और विश्वास के साथ
जनहितैषी मामलों को लेकर विराजित हुई थी वो टोटल जन विरोधी सरकार के रूप में अपना चेहरा दिखाने के रूप में प्रत्यक्ष देखने को मिलता है। क्योंकि आज यदि जन कल्याणकारी योजनाएं शासन द्वारा है और जन सहयोग के लिए उसको बनाया गया है तो उसमें इतना विलंब क्यों हुआ, पहली बात। दूसरी बात, यदि विपक्ष के रूप में आज हमारे पूर्व मंत्री जिनका की पूरा कार्यकाल जनसेवा के रूप में रहा है और वो हमेशा जन समस्या के लिए रात दिन मेहनत करते हैं और उस मेहनत के अनुरूप यदि उन्होंने वहां की समस्या का निराकरण किया तो हाँ, सतना में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है जहां पुलिस ने धोखाधड़ी करने वाले शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। आरोपी मोहित मंगनानी ने कुछ साल पहले वेल्थ आईटी ग्लोबल एडवाइजरी फर्म खोली थी। सेबी से बिना रजिस्ट्रेशन करवाए एडवाइजरी कंपनी संचालित कर रहा था। एडिशनल एसपी राजेश रघुवंशी ने बताया कि इसकी फर्म के खिलाफ धोखाधड़ी कई शिकायतें भी आ रही थी। आरोपी के खिलाफ विजयनगर थाने में धोखाधड़ी का केस भी दर्ज किया गया है। इनमें से मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर, गुजरात, राजस्थान व महाराष्ट्र में भी धोखाधड़ी की गई है। देखिए, जो हमारा पूर्व क्षेत्र है इंदौर का, इसमें बहुत सारी शिकायतें एडवाइजरी से संबंधित लंबित थी कई लंबे समय से। उसमें हम लोगों ने छाटा था, उसमें एक नाम जो है वेल्डिट का आ रहा था जो कि यहाँ पे एडवाइजरी कंपनी चलाती थी और उसने बहुत व्यापक पैमाने पर घोटाला किया, लोगों का पैसा इन्वेस्ट करवाया और धोखाधड़ी की और इसके बाद फरार हो गया। लगातार हम लोग इसको ट्रैक कर रहे थे, इसमें पूरी जांच हुई, इसमें FIR की गई और इसके बाद आरोपी का इसमें लोकेशन ली गई, उसको लगातार उसको ट्रैक आउट किया गया तो उसकी लोकेशन सतना में आई और सतना इंदौर के हथौड़ा थाना क्षेत्र में एक महिला अन्याय की गुहार लगाने DIG के पास पहुंची। दरअसल महिला के पति का किसी और से अवैध संबंध था। वहीं ससुरालियों ने महिला को घर से बाहर भी निकाल दिया जिसके बाद से महिला लगातार परेशान थी और वह जगह जगह मदद की गुहार भी लगा रही थी। इंदौर में सैयद नियाज अली शाह के 132वें उर्स के अवसर पर स्टेट प्रेस क्लब के अध्यक्ष प्रवीण कुमार व अन्य पत्रकारों ने मिलकर चादर पेश की। इस अवसर पर पौधारोपण भी किया गया, साथ ही देश से कोरोना महामारी से मुक्ति, पर्याप्त वर्षा और भाईचारे की अर्जी भी लगाई गई है। इस मौके पर जिला वक्फ बोर्ड कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर शकील राज के साथ और भी कई लोग मौजूद रहे। इंदौर में पिछले दिनों रेडीमेड कारोबारी से 14 लाख रुपए की लूट हुई। इस लूट की घटना में पुलिस ने चोरी करने वाले मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आपको बता दें कि पुलिस ने मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों के पास से पुलिस ने एक गाड़ी भी बरामद की है, साथ ही लूटे हुए रुपए भी पुलिस ने बरामद किए हैं। वहीं पुलिस मामले की कार्रवाई में जुटी हुई है। घटना लॉकडाउन से पहले की है जिसमें कि काफ़ी संवेदनशील हुआ दल, जैसा कि हमारा डॉलर मार्केट और काफ़ी व्यस्तम इलाका है। व्यापारी जब अपनी दुकान से निकले थे उनके साथ एक कैश था 12 लाख रुपए करीबन का और उनके साथ घटना की गई थी। तत्काल हमारे द्वारा CC फुटेज और प्राप्त किए गए मौके से जिसमें कि कुछ हमको हिंट मिली थी। हिंट के बाद में कोई और लीड नहीं मिल पा रही थी। थाना प्रभारी धर्मवीर सिंह आगर और उनकी टीम इसमें लगातार उस दिनांक से ही इसके पीछे थे और कहीं ना कहीं विश्वास था कि ये एक जो ब्लाइंड लूट और कम चोरी टाइप की बात थी, क्योंकि उसको बातों में उलझा कर उसे डिग्गी से निकाला था। तो इस एक टेक्निकल भी लग रहा था कि लोगों को पता है कि इसकी डिग्गी में पैसा है। जैसा कि फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आपका इमेज जाएगा, देखते रहिए प्राइम TV। We'll be right back.